नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा पत्रिका यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं आपके लिए 200 क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 4। तो पहला प्रश्न है, हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार पुरुषों को किस नाम से दिया जाएगा? तो ये पुरस्कार दिया जाएगा महाराणा प्रताप पुरस्कार के नाम से। हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार महिलाओं को किस नाम से दिया जाएगा? तो ये पुरस्कार महिलाओं को दिया जाएगा रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के नाम से। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणवी जुड़वा बहनें कौन कौन हैं? तो वो जुड़वा बहनें हैं तानसी और नुनसी मलिक। तानसी और नुनसी मलिक। हरियाणा के जूनियर खिलाड़ियों को किस नाम का 1 लाख रुपए राशि वाले 5 पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाएंगे? तो वो पुरस्कार होगा एकलव्य पुरस्कार। हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये पोर्टल शुरू किया गया था 2010 में। हरियाणा में लोकायुक्त की नियुक्ति किस वर्ष की गई? हरियाणा में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी 2011 में। देवी रूपक योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो इस योजना का शुभारंभ किया गया था 2002 में। हर्ष किस वंश का शासक था? हर्ष था वर्धन वंश का। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर हरियाणा में कहाँ है? तो NBRC है मानेसर गुड़गांव में। हरियाणा की जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने वर्ष है? तो हरियाणा में जीवन प्रत्याशा है 66.2 वर्ष। हरियाणा की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? हरियाणा की जो जनसंख्या है उसमें शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत, वो है 34.88% जो है हरियाणा की नगरों में रहती है। भारत के किसी राज्य विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो हरियाणा भारत के किसी भी राज्य विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी सनो देवी, जो कि 1967 में हरियाणा विधानसभा की अध्यक्ष बनी थी। हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है? बलदेव राज महाजन हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल है। हरियाणा विधानसभा में विपक्षी दल का नेता कौन है? तो वर्तमान में अभय चौटाला जी हरियाणा विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं। 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की स्थापना की गई थी चंडीगढ़ में 1969 में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को भिवानी किस वर्ष स्थानांतरित किया गया? तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को 1981 में चंडीगढ़ से भिवानी स्थानांतरित किया गया था। हरियाणा में 10-2 शिक्षा नीति किस सत्र से लागू की गई? तो ये लागू की गई थी 1985-86 में। भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ स्थित है? तो ये किंगडम ऑफ ड्रीम्स स्थित है गुड़गांव में, गुरुग्राम में। हरियाणा का एक नाम हरियाला किस पुराण में है? तो ये है स्कंद पुराण में। हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस बोर्ड की स्थापना की गई थी 1969 में। हरियाणा राज्य कर्मचारी आयोग की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1970 में। हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? तो हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल थे श्री आनंद स्वरूप। हरियाणा में कितने उपमंडल हैं? हरियाणा में उपमंडल हैं 72। हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? हरियाणा में कुल तहसीलें हैं 93। इससे पहले हरियाणा में 83 तहसीलें थी, लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा 10 नई तहसीलें बनाई गई हैं, जिसके बाद कुल तहसीलें हैं 93। हरियाणा में कुल कितनी उप तहसीलें हैं? हरियाणा में उप तहसीलें हैं 50। इससे पहले हरियाणा में 47 उप तहसीलें थी, लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा 3 नई उप तहसीलें बनाई गई हैं, जिसके बाद कुल उप तहसीलें हैं 50। हरियाणा में कुल कितने खंड हैं? हरियाणा में कुल खंड है 140। इससे पहले हरियाणा में 126 खंड थे, लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा 14 नए खंड बनाए गए हैं, खंड या ब्लॉक बनाए गए हैं, जिसके बाद हरियाणा में खंडों की संख्या है 140। हरियाणा में कुल कितने कस्बे हैं? हरियाणा में 154 कस्बे हैं। गुड़गांव में मारुति उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1983 में हरियाणा के गुड़गांव में मारुति उद्योग की स्थापना की गई थी। प्राचीन स्थल भगवानपुरा किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र में यह स्थान स्थित है। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं? तो खोखरा कोट रोहतक से ये सिक्के मिले थे। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 साल। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं
और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कितनी निर्धारित की गई है? तो आठवीं पास योग्यता निर्धारित की गई है। पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं? तो राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में पंचायत चुनाव होते हैं। हरियाणा में सरकार द्वारा शहरों में शौचालय निर्माण हेतु कितनी राशि दी जाती है? तो ये राशि शहरों के लिए है 14,000 रुपए। हरियाणा में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? हरियाणा में जनघनत्व है 573। हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन और विकास संस्थान MDI कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुड़गांव में। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण और अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं कुनाल जिले से। अशोक कालीन टोपरा अंबाला के निकट अभिलेख को किसने दिल्ली के पुराने किले में स्थापित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको दिल्ली के पुराने किले में स्थापित किया था। किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है? तो दिव्यावदान में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के केंद्र बनावली हिसार की खोज किसने की थी? तो बनवाली की खोज की थी 1976-74 में RS Bisp ने। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के हरियाणा में स्थित किस केंद्र से मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं? तो साक्ष्य मिले हैं बनवाली हिसार से। महान मौर्य शासक अशोक ने हरियाणा में कहां स्तूप बनवाया था? तो अशोक ने थानेसर में यह स्तूप बनवाया था। छठी शताब्दी में थानेसर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? तो छठी शताब्दी में पुष्यभूति ने थानेसर में वर्धन वंश की स्थापना की थी। मिहिर भोज के समय 9वीं शताब्दी में कौन सा नगर घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था? तो उसमें घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था पिहोवा। हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा है? तो श्री राव वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हरियाणा के सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे हैं। हरियाणा में कोटला की पहाड़ियां कहाँ हैं? हरियाणा के मेवात जिले में कोटला की पहाड़ियां हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट FSI 2013 के अनुसार हरियाणा में वन आवरण कितने वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा में इसका एरिया है 1586 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन आवरण है? तो ये है 3.59%। हरियाणा राज्य में ट्री कवर कितने क्षेत्र पर है? तो 1282 वर्ग किलोमीटर पर ट्री कवर क्षेत्र है। हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वृक्ष आवरण है? तो 2.90 क्षेत्र पर वृक्ष आवरण है। हरियाणा के किस शहर में हेरिटेज स्कीम लोकोमोटिव म्यूजियम है? तो ये है रेवाड़ी में। विश्व का सबसे पुराना चालू हालत में रेल इंजन कौन सा है? तो वो है फेरी ट्रेन। हरियाणा में गठित गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मनीरा मंगला को गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हरियाणा में आवारा गायों को रखने के लिए पहला गो अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? तो हिसार में ये अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। हरियाणा साहिवाल और गिर किसकी नस्लें हैं? ये हैं गाय की नस्लें। बहादुरगढ़ कस्बे का पुराना नाम क्या है? तो बहादुरगढ़ को पहले कहा जाता था सरफाबाद। तो बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या है? सरफाबाद। रोहतक में 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो रोहतक में इस क्रांति की शुरुआत की थी राखंडों ने। डॉक्टर सूरज भान के नेतृत्व में हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थान की खुदाई की हुई थी? तो मिसाथल को की खुदाई डॉक्टर सूरज भान के नेतृत्व में की गई थी। पंचवटी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो पंचवटी स्थित है पलवल में। बागवानी से संबंधित उत्पादों के लिए हरियाणा में कौन सा ब्रांड शुरू किया गया है? तो इसके लिए शुरू किया गया है हरियाणा फ्रेश। हरियाणा में 177 करोड़ रुपए के निवेश से 75 एकड़ में मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, जिससे 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा? तो ये बराही सोनीपत में इसकी स्थापना की जा रही है। फलों फूलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र कहाँ होंगे? तो ये होंगे जींद, झज्जर और अम्बाला में। कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2015 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो गुड़गांव में कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
कृषक उपहार योजना के अंतर्गत कितनी राशि से अधिक उपज मंडी में बेचने पर उपहार कूपन दिए जाते हैं? तो 5,000 रुपए से ज्यादा की उपज मंडी में बेचने पर उपहार कूपन दिए जाते हैं। हरियाणा में कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी? तो 2 अक्टूबर 2000 को ये योजना शुरू की गई थी। हरियाणा में राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1 अगस्त 1969 को इस बोर्ड की स्थापना की गई थी। हरियाणा में किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी विकसित की जा रही है? तो हरियाणा के गन्नौर में, जो कि सोनीपत जिले में पड़ता है, यहाँ अंतरराष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी की विकसित की जा रही है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति दैनिक दूध की उपलब्धता कितनी है? तो 805 ग्राम हरियाणा में प्रति व्यक्ति दैनिक दूध की उपलब्धता है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर कितना अनुदान दिया जाता है? तो ये अनुदान दिया जाता है 4 रुपए प्रति लीटर। कोटला झील किस जिले में है? तो कोटला झील स्थित है मेवात जिले में, जिसका नाम अब नूह कर दिया गया है। सतलुज यमुना लिंक नहर किस वर्ष बनना शुरू हुई थी? तो 1976 में SYL का निर्माण शुरू हुआ था। हरियाणा की किस नदी को 31 दिसंबर 2016 तक प्रदूषण मुक्त करने की योजना है? तो घग्गर नदी को 2016 तक प्रदूषण मुक्त करने की योजना थी। रॉबर्ट वाड्रा लैंडहिल की जांच आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस SN धिंगड़ा जो है। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? तो औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, ITI विभाग हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग है। मार्च 2016 तक कितनी ई नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए स्टेट पोर्टल बनाया गया है? तो ये 150। हरियाणा सरकार के फैसले के अनुसार किसी भी पद के लिए साक्षात्कार के कुल अंकों के कितनी प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे? तो अब ये मानक तय किए गए हैं कि 12% से ज्यादा नहीं होगा। हरियाणा का पहला स्व प्रेरित आदर्श गांव कौन सा घोषित किया गया है? तो सुई, जो कि भिवानी जिले में पड़ता है, इसको स्व प्रेरित आदर्श गांव की घोषणा की गई है। हरियाणा के किस राजनेता के नाम पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में MDU में हाल ही में पीठ स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई डॉक्टर मंगल सेन, जो रोहतक से 7 बार विधायक रहे थे। प्रदेश की पहली NCC अकादमी कहाँ खोली जा रही है? तो हरियाणा के घरौंदा में, जो कि करनाल जिले में पड़ता है, यहाँ पहली NCC अकादमी की स्थापना की जा रही है। फरीदाबाद और पलवल के बीच कितने एकड़ क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है? तो 80 एकड़ में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। हरियाणा में सप्लाई की गई बिजली के 90% भुगतान करने वाले गाँव को प्रतिदिन कितने घंटे बिजली दी जाएगी? तो ये मानक तय किए गए हैं कि उनको 21 घंटे बिजली दी जाएगी। 1 जनवरी 2016 से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता बढ़ाकर कितना किया गया है? तो ये किया गया है 1400 रुपए मासिक। देश का पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदघर कहाँ खोला गया है? तो ये सोनीपत जिले में हसनपुर गाँव में खोला गया है। लिंगानुपात में सुधार के लिए किस जिले को 4 लाख रुपए का पहला पुरस्कार दिया गया है? तो पानीपत जिले को लिंगानुपात में सुधार के लिए 4 लाख का पहला पुरस्कार दिया गया है। योग और आयुर्वेद के उत्थान के लिए हरियाणा ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो योग गुरु बाबा रामदेव को योग और आयुर्वेद के उत्थान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। डॉक्टर अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवास निर्माण हेतु कितनी राशि दी जाती है? तो ये राशि है 93,000 रुपए। गुरु वशिष्ठ अवार्ड के तहत प्रशिक्षकों को कितनी राशि दी जाएगी? तो ये राशि है 2 लाख रुपए। प्रदेश का पहला वेलोड्रम कहाँ स्थापित होगा? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रदेश का पहला वेलोड्रम स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के कितने लोग आजाद हिंद फौज में शामिल हुए? तो हरियाणा के कुल 2715 लोग आजाद हिंद फौज में शामिल थे। हरियाणा के कितने लोग आजाद हिंद फौज में शहीद हुए? तो 340 लोग हरियाणा से ऐसे थे जो आजाद हिंद फौज में शहीद हुए थे। 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाले पहले हरियाणवी कौन थे? तो बाबू मुरलीधर पहले हरियाणवी थे जो 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जेल गए थे।
हरियाणा में होम रूल आंदोलन का सबसे बड़ा नेता कौन था? तो हरियाणा में होम रूल आंदोलन का सबसे बड़ा नेता था पंडित नेकीराम शर्मा। यूनियनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन था? तो चौधरी छोटूराम यूनियनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता था। देसी रियासतों में चले आंदोलन को क्या कहा जाता है? देसी रियासतों में चले आंदोलन को कहा जाता है प्रजामंडल आंदोलन। गांधी जी की गिरफ्तारी हरियाणा में कहां हुई? तो हरियाणा के पलवल में गांधी जी की गिरफ्तारी की गई थी। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहां खुली? तो हरियाणा के रेवाड़ी में आर्य समाज की पहली शाखा खोली गई थी। सचल फॉर्मूला कब लागू हुआ? तो सचल फॉर्मूला लागू हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को। सचल फॉर्मूला लागू होने का क्या प्रभाव हुआ? इसका प्रभाव यह हुआ कि पंजाब को पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र को दो हिस्सों में बांट दिया गया। भारत सरकार ने भाषाई और संस्कृति के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया? तो ये आयोग था सैयद फजल अली आयोग। किस स्थान पर सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य शुरू किया गया है? तो मुगला वाली यमुनानगर में सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य शुरू किया गया है। गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु कौन सा अभियान पुलिस विभाग द्वारा चलाया गया था? तो ऑपरेशन मुस्कान जो है गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए पुलिस विभाग द्वारा चलाया गया था। अकबर के समय में हरियाणा के किस स्थान पर टकसाल थी जहां जलाली सिक्का बनाया जाता था? तो ये टकसाल थी नारनौल में। हरियाणा में किस स्थान पर औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? तो नारनौल में औरंगजेब के समय में सतनामी विद्रोह हुआ था। हरियाणा के किस स्थान पर चोर गुंबद है? तो हरियाणा के नारनौल में चोर गुंबद है। हरियाणा में तिलियार झील कहाँ स्थित है? तो हरियाणा के रोहतक में ये झील स्थित है। देश का पहला ग्रीन डाकघर हरियाणा में किस स्थान पर है जहां सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है? तो हरियाणा के गुड़गांव में ये डाकघर स्थित है। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी 1997 में। भारतीय सेना को 75% कंबलों की सप्लाई हरियाणा के किस नगर से होती है? तो हरियाणा के पानीपत से आर्मी को 75% कंबलों की सप्लाई की जाती है। भिवानी में TITS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1943 में भिवानी में TITS की स्थापना की गई थी। मेवात जिले का कौन सा गांव गांधी ग्राम कहलाता है? तो घासेड़ा जो कि मेवात यानी कि नूह जिला, मेवात का नाम बदलकर अब नूह कर दिया गया है, तो नूह जिले में घासेड़ा गांव को गांधी ग्राम कहा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 4। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर नई अपडेट आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।